वेलकम बैक नाज़रीन। एक दफ़ा फिर ज़ोर हिदायत में हम आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आज का जो दिन है, ये पहला दिन है आपका, बड़ा खूबसूरत गुजर रहा होगा। और वैसे भी जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो अपने आप से वादों के दिन शुरू हो जाते हैं और इंशाल्लाह ताला जो हमने अपने आप से वादे किए हैं उनको पूरा करते हुए हम इंशाल्लाह तमाम रमज़ान को गुजारेंगे। तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ख़ूबसूरत सा कौल मेरे सामने मौजूद है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि हर रोज़ मलकुल मौत पुकारता है, हर रोज़ मलकुल मौत पुकारता है कि ऐ मरने वालों, आज तुम किस चीज़ पर रश्क करते हो जबकि तुम तमाम हौलनाकियों को अपनी आँखों से देख चुके हो। तो मुर्दे जवाब देते हैं मलकुल मौत को कि हम मोमिनीन उनको हसरत से देखते हैं जो मस्जिदों की तरफ जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं जबकि हम नमाज नहीं पढ़ सकते। और फिर कहते हैं आगे कि वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं, जो ज़िंदा लोग हैं जिनको अल्लाह ने ये मुबारक महीना नसीब किया है वो रोज़े रखते हैं जबकि हम मर चुके हैं, हम रोज़े नहीं रख सकते। और जो कुछ उनके अहलो अयाल से बच जाता है वो सदका करते हैं जबकि हम सदका नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, अभी ज़िंदगी भी है और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ना हो कि हम हसरत करते चले जाएं और ये हमारा जो अल्लाह ने मौका दिया है, बेहतरीन मौका दिया है, वो हाथ से निकल जाए। तो अपनी इबादतों में खुलूस पैदा करने का हमें जो शौक़ है, जो लगन है, वो इंशाल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में बढ़ जाता है और ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। तो सहर प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं और दूसरा सेगमेंट हमारा जो है आलम दीन आलमा के साथ होता है और हमारी आज खुश नसीबी बहुत ही बेहतरीन आलमा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद है मकसूदा नकवी साहिबा से, हम खुश आमदेद कहते हैं और माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मकसूदा नकवी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, मेरी तरफ से आप सबको भी माह रमज़ान की बहुत मुबारक। जी सिस्टर, आप सबसे पहले बताइए आपके कैसे मिजाज हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम हिदायत टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से कि आपने इतना कीमती वक्त था और माह रमज़ान की मसरूफियत होने के बावजूद आप हमें इस वक्त वक्त दे रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मेरे लिए खुशनसीबी है कि आपने मुझे दावत दी और मुझे ये कुरान और हदीस और रसूल खुदा और मोहम्मद मोहम्मद की बात बयान करने का मौका दिया। और मिजाज बहुत अच्छे हमारा रमजान शुरू है अभी हर चीज किचन सब सब चल रहा है। जी जी माशाल्लाह। जी सहर अस्सलाम वालेकुम मकसूदा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करेंगे हम जो है वो रमजान की पहले, रमजान की पहले आप ये बता दीजिए कि क्या आपके यहाँ इफ्तार का टाइम तो नहीं होने वाला? नहीं, अभी हमारे पास आपको भी पहले तो आपको भी बहुत मुबारक। नहीं, अभी हमारे पास वो तकरीबन मुझे लगता है 2 घंटे के बाद हो जाएगा। चलें फिर ठीक है, मुझे बस यही परेशानी थी कि कहीं हम आपको जो है वो इफ्तार से का टाइम आपका जो है वो हम ना ले लें। तो मकसूदा हमारा आज का टॉपिक जो है वो है तारीफ कुरान, तारीफ कुरान बज़बान कुरान। तो मेरा ख्याल हमारा आज का टॉपिक तारीफ रमज़ान बज़बान कुरान। जी बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मकसूदा मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि माह सयाम के पहले अशरे की कुछ अहमियत आप हमें बताइए फरमाइए और कुछ अमाल प्लीज हमें ऐसे बताइएगा कि जिन पर हमें तवज्जो करने की जरूरत है, थोड़ा इनको डिटेल्स में हमारे नाज़रीन को और हमें इससे आगाह कीजिएगा। सिस्टर सहर, अभी जो आपने इतनी प्यारी बात की कि हम लोग जो है वो अशरा रहमत में अभी दाखिल हो गए हैं, आज अशरा रहमत का पहला दिन है, यानी हमने रहमत के अंदर जो है वो कदम रख दिया है। अब वो जो रहमतें अल्लाह की बरस रही है उसको हासिल करने के लिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने नबी की 2 अहादीस बयान करूंगी
जो पहले दिन माह रमजान के वो मान सकते थे, एक वो चीज, और दूसरी चीज की जो हम माह रमजान के जो रहमत के जो 10 दिन शुरू हुए हैं, इसमें हमने उस रहमत को किस तरह से लेना है और ये रहमत क्या है। इससे पहले इसकी तरफ आती हूँ सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ कि अल्लाह ने माह रमजान के 10 दिनों को वही अशरा रहमत करार दिया है और खुद को अल्लाह जो है वो रहमान कहता है। मुझे लगता है एक दफा हमारी इस पे बात भी हुई थी कि कुरान की जब हम सूरह आराफ पढ़ते हैं, बहुत सारा सूरह पढ़ते हैं ना, तो खुदावंदे आलम उसने खुद फरमाता है तुम अल्लाह को फज़ुर्रहमान, तुम अल्लाह को अर्रहमान के कर पुकारो, अबिदुल्लाह या तुम उसको अल्लाह के कर पुकारो, अल्लाह और अर्रहमान सेम है। तो यहाँ पर जो अरब थे ना पिछले जमाने के अरब, उनको अर्रहमान का भी पता था, लेकिन मजे की हम बात यह आती है कि उनको रहमान का पता था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे कि हम रहमान को जानते हैं लेकिन हम अर्रहमान को नहीं जानते हैं, तो अर्रहमान कौन है? तो उस वक्त कुरान की आयत नाज़िल हुई कि तुम अल्लाह को अर्रहमान कहो या अल्लाह कहो, वो सेम है। यानी खुदा ने बता दिया कि अल्लाह जो है उसका जो असल नाम है वो अल्लाह तो है ही है, लेकिन उसका असल नाम अर्रहमान भी है। तो अर्रहमान को तुम ना तफसीर कर सकते हैं, ना उसके तर्जुमा कर सकते हैं, ना उसके डेप्थ में जा सकते हैं। अर्रहमान की तफसीर जो जितनी हमारी अकल के मुताबिक होती है उस पर ले सकते हैं, लेकिन अर्रहमान की तफसीर तो सिर्फ और सिर्फ वक्त के इमाम मेहदी आखिर जमा ही कर सकते हैं इसकी तफसीर। लेकिन रहमान की थोड़ी सी हम उसकी गहराई में आते हैं कि रहमान क्या, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इस अशरे के अंदर हम जब आए हैं तो किस तरह से उसको हासिल करें। हम सबको पता है कि रहमान जो है वो रहमत से निकला है और रहमत का वही प्यार मोहब्बत शफकत आता है, लेकिन रहमान असल को कहते हैं कि अगर आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कहीं पर तूफान आ जाए, हर तरफ से तबाही तबाही हो, बर्बादी ही बर्बादी हो, जैसे अभी हम देख रहे हैं फलस्तीन के अंदर जमीन के एक टुकड़े के अंदर कितनी तबाही है, और वही इंसान हम सबके होश खता है वो देख कर। तो अगर खुदा न करे पूरे हुए जमीन पर इस तरह से तूफान आ जाए, इस कदर तूफान हो, जब हम कहते हैं तूफान हजरत नूह हो, और उस तूफान के अंदर कोई ऐसी जात हो जिस तरह से जैसे हम कहते हैं एक परिंदा है उसको पता है कि मेरा बच्चा जो इस तूफान में डूब जाएगा, और वो परिंदा अपने बच्चे को अपने परों के नीचे छुपा लेता है, तो उसको कहते हैं रहमान। यानी इस तूफान के अंदर अगर कोई इंसान अपने बंदों को अपने बगलों के नीचे छुपा दे और महफूज कर दे उस तूफान से, तो उसको कहते हैं रहमान। तो अब हम उस अशरे के अंदर आ गए हैं जो रहमान का अशरा, जो रहमानियत का अशरा। तो यहाँ अल्लाह हमें ये बता रहा है, ए मेरे बंदो, माह रमजान शुरू हुआ है, मैंने तुमको ये जो तूफान है, ये दुनिया के गम तकलीफ रन भूख दर्द, ये जितनी भी दुनिया के तकलीफें है ना, मैं इस 10 दिनों में तुम्हें अपने इस तरह से बगल के अंदर अपने परों के अंदर में तुम्हें थाम रहा हूँ, और आ जाओ मेरे परों के अंदर, अपनी ले लो अपनी निजात को। तो ये है जो हम कहते हैं कि ये 10 दिन जो है वो अशरा हमारे लिए इस तरह से शुरू हो रहा है। तो कितना प्यारा अंदाज मेरा खुदा बता रहा है कि आओ मैं तुम्हें थाम लूं, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो बदबخت है वो शख्स जो इस अशरे से फायदा ना ले सके। ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता दी जो बहुत ही खूबसूरत हदीस है। अब ये खुतबा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन खुतबा, मुझे नहीं पता लगे जब मैं ये खुतबा पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत बहुत ये खुतबा प्यारा लगता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उनके अस्हाब जो थे वो बेचे होते थे, तो वो हमेशा जब माह रमजान शुरू होता था तो शुरू में खुतबा करते थे, दुआ पढ़ते थे। अच्छा कौन सी दुआ? मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, मेरे नबी की दुआ। और उस दुआ के अंदर हमें क्या मिलता है ये हमें देखना है कि अशरे 10 दिनों के अंदर मुझे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को अपने अंदर लाना। क्या फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैका बिल ईमान बिल अम्र वल ईमान व सलामत वल इस्लाम व दरफअल असकाम। रसूल खुदा हाथों को बुलंद करके कहते थे ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगारा, इस माह रमजान को खुदाया हमारे लिए करार दे, अहिल्लहु यानी हमें लायक बना इस माह रमजान का। जो जो चांद निकल रहा है वो चांद हमारे लिए चीजें लेकर आए, या हमें उसके हकदार बना या लायक बना। किस चीज के लिए? ये सबसे पहले फरमाते हैं
کہ بالامن خدایا ہمارے لیے امن لے آؤ اس مہینے میں. اب ہم دیکھتے ہیں سسٹر امن جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنے خوشی سے کتنے مزے سے ہم کر رہے ہیں نا افطاری اور یہ سحری اور ہم نے ماہ رمضان شروع کر دیا. افسوس کہ جب ہم فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. کہیں ان سے ہٹ کر بھی اگر ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں تو امن ہمیں بہت کم جگہوں پہ ملتا ہے. یعنی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے اندر چاہے ہم کسی بھی جگہ پر کسی بھی کنٹری میں کیوں نہ ہو, یعنی ایک امن کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کو کہا اے اللہ میرے امت والوں کے اندر امن نہیں ہے, وہ ڈرتے ہیں, وہ خوف زدہ ہیں, وہ ہر چیز سے خوف زدہ ہیں. تو اے اللہ ان کو سب سے پہلے تو امن عطا فرما. اتنے پیارے انداز سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سب سے پہلے امن کہا, اور دوسری جگہ پر جب انہوں نے رکھا وہ ایمان, ایمان کی بھی کمی ہے. اللہ ہم نے 11 مہینے اپنے ایمان کو شفا کے حوالے کر دیا, خدایا اب ہم تجھ سے اس مہینے میں ایمان مانگتے. اور تیسری چیز جو مانگی, اچھا وہ کیا مانگا کہ خدایا سلامت, ہمیں سلامتی بھی عطا فرمانا, ہر طرح سے سلامتی, رزق کی سلامتی, ہمیں اپنے جو ہمارے آنے جانے کی سلامتی ہے, ہمارے جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. میں بہت زیادہ مجھے فکر وہ اکثر مجھے فکر جو ہوتی ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی ہوتی ہے, ڈپریشن سے یا وہی جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, جو بھی چیز ہے اللہ اس کی ہمیں سلامتی عطا فرما. اور تیسری چوتھی چیز جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہا الاسلام. حیرت کی بات ہے تھوڑا سا دیکھیے گا کہ اللہ نے کیوں اسلام کہا, ہم تو آلریڈی اسلام میں ہیں, ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں, پھر بھی رسول خدا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس میں اسلام کا حق ادا کر سکے. یعنی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہم نے اپنے اسلام کو اسلام کا حق ادا نہیں کیا, کہیں نہ کہیں ہم نے اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو اے اللہ اس میں ہمیں اسلام توفیق. اور پھر فرماتے ہیں اور ایک اور چیز جو مجھے بہت ہی میرے دل کو جا کے لگی وہ ہے ودت الاسقام, اور اے اللہ اس مہینے میں تم ہم سے جتنی بھی بیماریاں فزیکل بیماری ہمارے جسموں کے اندر جو کمزوری آ جاتی ہے, جو پہلے میں جو پہلے سال میں روزے رکھ رہے تھے اس سال نہیں رکھ رہے تھے, اتنے کمزور ہو گئے, جو پہلے سال گھروں میں موجود تھے آپ ہاسپٹل سے ہیں, اسکام خدایا یہ مہینہ جیسے شروع ہو ہم سے ہماری بیماریوں کو دور فرما دے, کوئی ہمیں بیماری نہ دے تاکہ ہم جو تیرے حضور پیش ہو سکے اور تیرے اس رحمت کو حاصل کر سکے. اور کہا لما تحب رضا و ترضا ربنا و رب اللہ, کہ اے اللہ اس مہینے میں اس میں عطا فرما اور اس قدر ہمیں توفیق عطا فرما کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہم سے راضی ہو جائے. جب یہ مہینہ ختم ہونا تو جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کر, تو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی بھی جب اتنا اچھا مہمان ہوتا ہے, میزبان ہوتا ہے, اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے جدا ہوتے ہیں تو ہم رونے لگتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کہتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ کتنا پیارا مہمان ہے اللہ, تو کب دوبارہ اس میزبان سے ہمیں ملائے گا نا. تو یہاں پر بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ جب ہم تجھ سے جدا ہو, یعنی کوئی ماہ رمضان کی بات آتی ہے, یہ ماہ رمضان کی بات آتی ہے لیکن یہاں خدا کی بات ہو رہی کہ اے اللہ جب تیری میزبانی سے اور تجھ سے ہم جدا ہونا اتنے پیارے انداز میں جدا ہو کہ تو ہم سے راضی ہو راضی ہو اس انداز میں کہ ایک دوسرے کے لیے دوبارہ ملاقات کے لیے تڑپ رہے, دوبارہ ملاقات کی امید رکھے. تو یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جو پہلے عشرے میں میرے رسول خدا فرماتے ہیں. ایک اور چیز جو میں جلدی جلدی سے بیان کروں گی وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے, وہ بھی یہاں پر یہاں یہ چیز آتی ہے کہ جب ہم عشرے میں آتے ہیں وہی اللہ کی رحمت تو ہر جگہ برس رہی ہے نا, وہ میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں کہ جب بارش کے قطرے ہوتے ہیں بارش کے قطروں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے, ہر بارش کے قطرے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کچی زمین پر جب برسے گا تو اس میں سے پھول اور پودے اگا سکتا ہے. لیکن اب دیکھیں جب بارش کا قطرہ بارش کے قطرے کے اندر تو طاقت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں بالفوا اور بالفعل, تو بارش کے قطرے کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ جہاں پر بھی پڑے کچی زمین پہ پڑے گا تو وہاں سے پھول اور پودے اگائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ
जिस पे बारिश का कतरा गिर रहा है वो कच्ची जमीन होनी चाहिए ना, वो कबूल करने वाली होनी चाहिए। तो बारिश के कतरा भी वो कैसे काम करेगा? हमें पता है वो जो सख्त चीज होती है, जो शीशे वाली चीज होती है, जो पत्थर होते हैं, जितने हमें पता है कि टाइल वगैरह होते हैं, इसके ऊपर जब बारिश का कतरा गिरेगा तो वहां तो कोई असर ही नहीं करेगा। तो इसी तरीके से माहे रमजान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, बारिश तो बरस रही है, मेरे रब की रहमत मगफिरत बरकत वो तो खुदावंदी आलम इस कदर देगा, लेकिन जो लेने वाला है उसके अंदर ये ताकत होनी चाहिए। तो उन्हीं के बारे में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीन ऐसी चीजें बताई जो बहुत ही खूबसूरत है और हमें बता रहे हैं कि तुम्हें इनको किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाहुम्मा, फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लिना। मैं अजब हो गई सिस्टर, ये दुआ जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत छोटी सी, तीन चार सेंटेंस से ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं हैरान हो गई इस दुआ पर, और इस दुआ पर जितना गौर और फिक्र करें ना कम है। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लिना लिरमजान, ए अल्लाह हमें सालिम कर दे, सही सालिम यानी बहुत सेहत के साथ करार दे इस माह रमजान में। ये तो हमें बिल्कुल ठीक से समझ में आती है ना, लेकिन दूसरा कहते वसल्लिम लना, और हमारे लिए भी इसको सालिम कर दे। वसल्लिम मिन्ना, अजब बात आती है कि ए अल्लाह इस माह रमजान को भी हमसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हैरत की बात है, क्या हमारे वजूद के अंदर ऐसी चीज मौजूद है जो हमारे रमजान को दे सकते हैं? ये बहुत प्यारी दुआ है जो मेरे रसूल खुदा पहले दिन ये दुआ मांगा करते थे। यानी यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि ए अल्लाह माह रमजान के अंदर जो है हमारे लिए माह रमजान सालिम हो गया और जितनी भी हमारी फैमिली है उनके लिए भी हो गया, लेकिन इस माह रमजान को भी हमसे कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी इस माह रमजान की हुरमत को हमें पामाल नहीं करना चाहिए। एक दफा की बात है कि मौला कायनात अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया था, माह रमजान के अंदर उसके ऊपर कुछ हद जारी हुई थी, कुछ उसने हराम काम कर लिया था, तो वो नशे में था और फिर उसको एक रूम में मौला कायनात अमीर मोमिनीन ने रखा। बहुत शॉर्ट करके बताती हूँ, मौला ने जब उसको रखा और फिर जब वो होश में आया तो उसके ऊपर हद जारी की गई, मौला कायनात ने उसके ऊपर हद जारी की। हद जारी करने के बाद उसके ऊपर दूसरी हद जारी की, तो लोगों ने कहा कि मौला आपने इस शख्स के ऊपर एक हद जारी कर दी जो उसने गुनाह किया, उसको उसकी सजा में गिरने का दूसरा कोड़ यानी दूसरी हद क्यों जारी कर रहे? तो मौला फरमाते एक हद उसने जो गुनाह किया, दूसरी हद जो है उसने माह रमजान की हुरमत को पामाल किया था, यानी उसने माह रमजान को तोड़ा। तो ये जो माह रमजान की हुरमत थी ना, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं, ए मुसलमानों तुम मांगते हो कि माह रमजान हमारे लिए सालिम हो जाए, लेकिन तुम्हारे हाथों से माह रमजान की हुरमत ना हो, उसका एहतराम भी उसका नहीं जगह पर हो। तो ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और बहुत ही प्यारे अंदाज से उन्होंने हमें सिखाया है। और वही कहते हैं और फिर यही कहते हैं कि एक और दुआ जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये फरमाते हैं कि माह रमजान के वक्त कुछ चीजों को पकड़ के रखो। तो फरमाया या रसूलल्लाह कौन कौन सी चीजों को पकड़ के रखें? तो बहुत ही प्यारे अंदाज में फरमाया, कहा अपनी जबान को, अपनी फिक्र को, अपने दिल को और अपने वजूद को, अपने पेट को और अपने हाथों, इनको मजबूती से पकड़ के रखोगे तो तुम माह रमजान की तमाम बरकतों को, रहमतों को, मगफरतों को पाओगे। तो ये वो लोग हैं जो अगर इस तरह से करेंगे, ये वो लोग हैं सिस्टर के जिनके ऊपर कोई बारिश का कतरा पड़ता है ना तो उसमें से फूल और पौधे उगते, ये वो वाले लोग हैं जो मेरे नबी की बातों पर अमल करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत खूबसूरत और बड़े आसान अल्फाजों में आपने तमाम मफहूम को समेटते हुए हमें समझाया है। अब बात यह है कि इंशाल्लाह ताला हमें खुदावंद आलम तौफीक इनायत फरमाएं तमाम चीज़ों पे अमल करने के और ख़ास तौर पर अपनी ज़बान पर काबू रखने की जो है हमें बाकायदा प्रैक्टिस करना चाहिए। जब इतना खूबसूरत महीना मिला है, इतनी रहमतें और बरकतें हैं। अच्छा सिस्टर, कुरान की बहार का महीना है, कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक कुरान की बहार का महीना है, तो आप ये बताइए कि अदब कुरान फहमी क्या है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें किस तरह से कुरान फहमी का बयान किया है? जी,
जी बिल्कुल सही बात आपने कहा। मैं हम कल भी ये बात कर रहे थे कि जो असल माह रमजान की जो वैल्यू है, जो माह रमजान की जो असल खास चीज है, वो है कि कुरान के जरिए से तीन चीजें माह रमजान के अंदर, मैं वही समझती हूँ, तीन चीजें अल्लाह ने ऐसी रखी है माह रमजान के अंदर जिसकी वजह से माह रमजान की अहमियत और बढ़ जाती है। सबसे पहले हुजूर ने कुरान है, मेरे मौलाए कायनात अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शहादत है, क्योंकि बार बार रसूल खुदा खुतबे में फरमाते थे जब 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 भी माह रमजान की बात आती थी और जब फजीलत माह रमजान मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तब मौलाए कायनात अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र जरूर करते थे। और चाहे वो पहली तारीख क्यों ना हो, उसमें मेरे मौलाए कायनात को गले लगाकर रसूल खुदा रोते थे कि या अली इस महीने में आपको शहीद कर दिया जाएगा। तो जो दूसरी फजीलत है वो शहादत है मौलाए कायनात है। तो यहाँ तीसरी फजीलत ये आती है कि इन दोनों को पकड़ को, यानी आप कुरान पर हर बेट को पकड़ के अपनी तकदीर लिखवाएं, यानी यहाँ यही चीज आती है कि तकदीर लिखवाई जाए, इनको पकड़ के, जो तकदीर लिखी जाती है इससे बेहतरीन तकदीर हो ही नहीं सकती। तो कुरान की अहमियत जो है वो हम बयान नहीं कर सकते। मैं थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे इजाजत हो तो मैं एक हदीस रसूल खुदा की बयान करूँ, फिर मैं आती हूँ अदब बिल्कुल। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत हदीस है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि ए लोगो, अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम पांच चीजें चाहते हो तो तुम कुरान पढ़ो। अच्छा, पांच चीजें कौन सी हैं? खुद फरमाते हैं, सबसे पहले कहा कि तुम ऐशा, तुम चाहते हो कि जो खुश नसीब सईद लोग होते हैं ना, बेहतरीन दुनिया के सईद तरीन बेहतरीन अमीर तरीन लोगों की जिंदगी अगर तुम गुजारना चाहते हो। एक नंबर दो कहा वो मौत शुहदा, और तुम चाहते हो जब तुम्हारी मौत आ जाए तो तुम शहीदों की मदद करो। व नजात यौमुल हश्र, और तुम जब चाहते हो कि तुम्हें निजात मिले कयामत के दिन। और फिर कहा बस दिन ले लिया मैंने जरूर, और हम सबको बताया कि कयामत का दिन कितना खतरनाक होगा कि जिसके अंदर कोई साया तक नहीं होगा। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मौला फरमाते हैं कि कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा, इतना गर्म होगा कि ना उसमें, जैसे अभी बता रहे कि सिर्फ और सिर्फ जब लोग सिर्फ और सिर्फ लोग सिर्फ अपने हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे, वहां पर कोई अजाब नहीं होगा, कुछ मुश्किल तकलीफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब अपने हिसाब के लिए खड़े होंगे तो हर शख्स इस कदर पसीना निकलेगा कि 40 फुट आराम से उस पसीने को पी सकते हैं, यानी इस कदर दिन होगा। तो यहाँ पर इमाम फरमा, जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस दिन जब तुम साए को तलब करते हो, वल हिदायत यौमुल ज़लाला, और जिस दिन जलालत होगी वो चाहे कयामत का दिन हो चाहे वो दुनिया का दिन हो, तो जब जलालत के दिन में अगर तुम हिदायत चाहते हो तो फकरा कुरान, कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, कुरान तुम हर तरह से जो है बोल देगा। और एक और चीज जो मैं कहूंगी फिर उसकी बात से आती हूँ, ये हमारी सोच होती है, हम सोचते हैं कि कुरान देखो अल्लाह तबा तबाही पढ़ सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम कोई नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते, भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कुरान को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है अपने अपने लिए, हमने बहुत उसको मुश्किल बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब सूरह कमर पढ़ते हैं तो सूरह कमर में भी खुदावंद आलम कहता है वलकद यस्सरनल कुरान, मैंने बेशक कुरान को जो है वो आसान कर दिया, फहल के तुम्हें सब कौन है जिसको ले लो। तो हर इंसान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने इल्म और अपने फहम और अपनी समझ के मुताबिक उस कुरान को ले सकता है। तो हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसके तौर पर आदाब भी होते हैं। अदब क्या होता है कुरान का? एक आयत है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, वही कि मैं हमेशा इस चीज को जरूर हाईलाइट करूंगी कि कुरान और अहल बैत दोनों को साथ रखना चाहिए, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया ला यस्तरिका हत्ता, कभी भी ये दोनों के साथ नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर में मेरे साथ मिल जाए, यानी ये दोनों साथ साथ में होंगे। कुरान की आयत है, एक सबसे पहला अदब जो है वो कुरान का सूरह नूर में भी हमने पढ़ा, सूरह हुजरात में भी हमने पढ़ा, खुदा के तहत इन्नल्लज़ीना यगुज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाह क़ुलूबहुम तक़्वा लहुम मग़फ़िरतुन अज़रुन अज़ीम। ए लोगो, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मेरे मोहम्मद बोल रहे हो ना, यानी जब कुरान की तिलावत हो रही है, जब मोहम्मद बोल रहे हैं, या अंबिया जो है वो बोल रही है, जो जो हमारे अहल बैत का जिक्र हो रहा है, उस वक्त अपनी आवाजों को नीचा रखो, इतनी
प्यारी बात की सबसे पहला अदब मैं बताऊंगी, इंशाल्लाह आहिस्ता एक अदब को बताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो अपनी आवाजों को नीचा रखा जाए। काफी लोगों को मैंने देखा है कि जब अजान, उनके फोन में अजान चलती है वो क्या करते हैं, जब अजान आती है ना फौरन बंद कर देते हैं। कोई आया उनके वो होता है, जैसे नमाज का टाइम होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आयत चल रहे थे फौरन इसको बंद कर देते हैं। या मैं बहुत दफा देखती हूँ जब तिलावत कुरान हो रही होती है, घरों में होती है, गाड़ी में होती है, तो क्या करते हैं लोग बात नहीं कर रहे होते, सब बातें चल रही होती है। यहाँ पर खुदावंद आलम के लातजालुदार, तो खामोश रहो उस वक्त जब कुरान की तिलावत की जा रही है, अल्लाह को नहीं पसंद। अब एक और एक खास अदब जो है वो किस्तों में बताती हूँ जो मेरे दिल को बहुत छू जाता है। मैं हमेशा इस बात की तरफ आती हूँ और मुझे बहुत ही प्यारा अंदाज लगता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए लोगों, कुरान का एक अदब है, बहुत ज्यादा आदाब है कुरान के, उनमें से सबसे पहला अदब, अल्लाह करे ये अदब हमें समझ में आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बहुत सही बातें होना चाहिए। रसूल खुदा फरमाते सबसे पहला अदब ये है, तन्यीबू अफवाहकुम फइन्ना अफवाहकुम तरीकुल कुरान। ए लोगो, सबसे पहला अदब इससे पहले कि तुम वजू करके कुरान की तिलावत करो, अदब ये है कि अपनी जबानों को, अपनी हमारी जबानी में इसको पाक करो। तय्यीबू अफवाहकुम, अपनी जबानों को पाक करो, इस पे कोई खराब लफ्ज नहीं होने चाहिए, इस पे बद्दुआ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? पर इन्नहु अफवाहकुम तरीकुल कुरान, बेशक ये जो तुम्हारा जबान है, ये तुम्हारा मुंह है ना, ये कुरान के निकलने का रास्ता है। तो यह हमने देखी, यहाँ से कुरान निकलता है, जहां से कुरान निकलता है सबसे पहले तो उस चीज को पाक करना है ना। वजू तो हम करते हैं, ठीक है, वो तो ज़ाहरी अदा का है, लेकिन कुरान निकल तो कहाँ से रहा है? तो सबसे पहला अदब यहाँ ये आता है कि जब हम कुरान पढ़े तो पहले हमारी जबान को पाक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बजा फरमाया। और आप ये भी बताइए कि अपनी इस जबान को किस तरह से इंसान काबू रखे, जो ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है जबान, तो किस तरह से इंसान इसको काबू में रखे। जी, इतनी प्यारी आपने बात की खास कि जबान जो है वो एक ऐसा दरिंदा है, अगर इसको खोल दिया जाए तो ये चीर फाड़ देता है। लेकिन एक चीज मैं जल्दी से बताती हूँ, हमारे पास बहुत ज्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तरीके बताए, लेकिन मैं अपना बताऊंगी कि मुझे काफी जगहों पर इस बात ने सेट किया, मौलाए कायनात अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की हदीस में मैं अपनी बात कहूंगी, मुझे पता ना जाने कितनी जगहों पर उन्होंने मुझे ये इस हदीस से मुझे महफूज किया। अगर हम पहली बात ये आती है कि जब हमें कुरान की आयतों पे अगर हम अमल करते हैं ना, तो सर आप देखेंगे कुरान की आयतें हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस को जब हम अपनी जिंदगियों में लाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जबान जो होती है ना वो अच्छी हो जाती है। जब हमारी यहाँ से, मैं हमेशा अपने बच्चों को भी कहती हूँ, जब ये साफ होता है यहाँ से जो निकलने वाली चीज होती है बहुत प्यारी निकलती है, यहाँ जब गंद यहाँ से गंदगी निकलती, तो सबसे पहली चीज जो ये आती है। और एक मैं अभी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की एक कौल बताती हूँ जो इतना कौल जिसने मेरी जिंदगी में बहुत मुझे फायदा दिया। मौला फरमाते हैं कि बोल के पछताओ बेहतर है ना बोल के पछताओ। तो मैं जब भी कोई बात आती है मुझे, जब मुझे बोलना होता है मुझे गुस्से में, तो मुझे मौला की वो बात आती है कि बेहतर ना बोल के पछताओ। तो इस चीज ने मुझे बहुत सेव किया, एक हदीस ने मुझे सेव किया। सोच सकते हैं हम कि जब हम कुरान की और अहादीस पे अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी ना, काश हम इस पे अमल कर सकते। बेशक, बड़ी खूबसूरत बात। तो सिस्टर, हम अपने मौजू की तरफ दोबारा आना चाहेंगे। आप ये बताइए कि कुरान और हदीस में तिलावत की बहुत अहमियत है, बहुत ताकीद की गई है, तो आप इस तिलावत के बारे में बताइए कि इसके क्या मायने हैं, क्या मफहूम है, इसका क्या हदफ होना चाहिए तफसीर का। जी, जब हम तिलावत की बात करते हैं सिस्टर, कुरान की तिलावत की बात करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत आसान और शॉर्ट शॉर्ट अल्फाज में बात करूँ। जब हम तिलावत की बात करते हैं तो उसके रूप पर आते हैं तलब, और जब हम तलब की जो मीनिंग होती है, एक तो वही तिलावत यानी रीडिंग करना आता है, और दूसरी जो मीनिंग होती है वो पीछे आने को भी कहते हैं।
तो जब हम तिलावत करते हैं तो बहुत जगहों पर अगर आप देखेंगे ना कुरान में, तो बहुत जगहों पर आपको कुरान की ये चीज नजर आएगी कि तिलावत इंसान करता है तो तिलावत के बाद एक आमाल भी नजर आते हैं, नजर आता है। और तलब की जो असल मीनिंग होती है वो होती है किसी की पैरवी करना, किसी का पीछा करना। जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, आप बयान फरमाइए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। अच्छा, तो तलब की जो असल मीनिंग होती है वो ये होती है कि किसी का किसी के पीछे चलना, किसी को फॉलो करना, लेकिन चाहे वो जिस्मानी तरीके से हो या कभी जो है वो रूहानी तरीके से हो, हर तरह के किसी को पैरवी करने को तलब कहते हैं। अभी आप देखिए कुरान की जो हम रीड करते हैं, हम कुरान की जो रीडिंग करते हैं ना उसको तिलावत कहते हैं। अफसोस की बात यहाँ ये आती है कि काफी हमारे जो कुरान को पढ़ने वाले होते हैं ना वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते। असल जो मीनिंग होती है तिलावत की कि जब एक एक लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, काफी कुरान की आयतें काफी 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 आयतें हैं जिसमें तलब तिलावत की जो है लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसमें बताया जाता है कि जब मैं तिलावत कर रही हूँ ना, जो भी मैं लफ्ज पढ़ रही हूँ या जो तिलावत मेरे ऊपर की जाती है वो मेरी रूह पर मेरे आमाल पर असर करती है, उसको कहते हैं तिलावत। तो मैं जब अभी माह रमजान में जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो बहुत तेजी के साथ रीडिंग करते हैं, इतनी तेजी उसको तिलावत नहीं कह सकते। तिलावत के कुछ आदाब होते हैं, तिलावत में मखरज को भी रखा जाता है, तिलावत में तजवीद को रखा जाता है। और तजवीद क्यों कहा जा रहा है? जी मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान अल्फाज में बात करूँ। तिलावत में जब हम आते हैं तलावत वो पीछे लगना फॉलो करना। अब देखिए कुरान में अल्लाह कहता है यत्लू अलैहिम आयाती, ए मोहम्मद तुम इनके ऊपर तिलावत करो आयात की, वही यज़्ज़कीहिम। और इसका मतलब है कि जब तिलावत करते हैं तो वो यज़्ज़कीहिम असर होता है उस तिलावत का कि वो पाक हो जाते हैं। तो सिस्टर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम तिलावत करते हैं तो क्या हम यज़्ज़की होते हैं, हमारे अंदर से गंदगी निकल जाती है, हम साफ हो जाते हैं? वो यज़्ज़कीहिम किताब, तिलावत के बाद जो है वो स्टेप्स आते हैं। एक स्टेप आता है तिलावत का कि वो पाक हो जाते हैं, दूसरा पहला असर होता है, दूसरा पाक, तीसरा वही अल्लाहुम्मुल किताब वल हिक्मा, उनके ऊपर यानी किताब कुरान का इल्म आता है और हिकमत उनको मिलती है। तो तिलावत की तो ये मीनिंग आ जाती है। और तिलावत में भी इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे कि तिलावत का जो सबसे पहला कदम है वो है तजवीद, और फिर तजवीद के बाद जो है वो दूसरे स्टेप। बहुत शुक्रिया मकसूदा। प्लीज हमें ये बताइएगा कि कुरान करीम, ये कुरान करीम अपना ही तारुफ खुद कैसे करवाता है, और मैं चाहती हूँ इस किताब का हदफ क्या है और कौन लोग हैं जो इस हदफ तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे पहुंच सकते हैं इस हदफ तक? जी सिस्टर, सिस्टर साहब हम जब कुरान पढ़ते हैं ना खुद ही कुरान अपने बारे में सारा तारुफ करवा रहा है, खुद ही अपनी जबान से बता रहा है कि मैं कौन हूँ। पहले मैं चाहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा कि कौन लोग हैं जो इस हदफ तक पहुंच पाते हैं ना, तो मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूंगी कि अल्लाह ने खुद ही बता दिया, देखिए कुरान खुद ही अल्लाह ने बता दिया। मैं दो लोगों का जिक्र करूंगी, अल्लाह के ये बहुत आसान अल्फाज से समझा सकूं कि दो लोग अल्लाह ने ऐसे कहा कि ये लोग इस हदफ को पा लेते हैं, इसके अलावा भी पा सकते हैं, अल्लाह के हाथ में क्या नहीं, लेकिन मुश्किल होता है। जैसे हम कहते हैं 40 साल तक अगर कोई शख्स एक आदत में मुब्तला रहे तो 40 साल के बाद उसको आदत छोड़नी मुश्किल हो जाती है। जो बिल्कुल इसी तरीके से कि जब तिलावत कुरान के लिए दो शख्स जालिकल किताब लारे बफी उदल मुत्तकीन, ये किताब जो है ना मुत्तकियों के लिए। अभी हम कहेंगे कि भाई मुत्तकी तो मुत्तकी नहीं हूँ, तो इसका अलग मेरे लिए नहीं है, नहीं यहाँ अल्लाह ने ये बताया। अब देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिन उनके जालिकल किताब लारे बफी हुदल मुस्लिमीन अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने मोमिनी नहीं कहा बल्कि मुत्तकीन कहा। मुत्तकी की जो असल मीनिंग होती है सिस्टर वो ये होती है, मुत्तकी का भी हम कर रहे थे कि जो अलर्ट रहता है, जो चारों तरफ से अलर्ट होता है। मुत्तकी का मतलब है वकाया, बचाने वाला, वो शख्स जो अपनी रूह को अपनी दुनिया और आखिरत को बचाता है, वो शख्स जो अपने आप को अल्लाह की आग से बचाता है, अल्लाह की दूरी से बचाता है, अल्लाह की गुस्से से अपने आप को बचाता है, वो शख्स।
सबसे पहले वो शख्स जो अलर्ट होता है, गाफिल नहीं होता, उसको ये फायदा देता है। दूसरी बात यहाँ ये आती है कि अल्लाह ने खुद ही कुरान में बता दिया सूरह वाकिया में, कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। इस कुरान की अगर रूह तक जाना है, इस कुरान की अगर समझना है ये कुरान, और इनके मोतियों को अगर आप जाके लेके आना चाहते हो, तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून नहीं छू सकते हैं, नहीं पास जा सकते हैं इस कुरान के, सिवाय वो लोग जो मुतहर हैं, यानी वो लोग जो अपने आप को पाक रखते हैं। अब पाक कौन रखते हैं? वही अल्लाह के हर जो हराम किया हुआ काम है उससे अपने आप को दूर रखते हैं। तो अभी हमने कहा रसूल खुदा फरमा दे तय्यिबु अफवाहुकुम, अपनी जबानों को पाक रखो। सबसे बड़ी बात आती है कि अपनी जबान को पाक रखो। तो जो पाक होते हैं ना, जो फिक्र के पाक होते हैं, जो दिल के पाक होते हैं, जो जबान के पाक होते हैं, जो अपने आमाल के पाक होते हैं, जो पेट के, खासतौर पर जो पेट के लोग पाक होते हैं, वो इस कुरान की तरफ आते हैं। यानी वही हमेशा ये चीज आपको याद होगा, हमने ये भी बात हमेशा करते हैं कि जो गंदा बर्तन होता है अगर हम उसमें दूध डाल दें तो दूध फट जाता है, तो बर्तन धोना जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहली जो शर्त अल्लाह ने रखी है यही रखी कि इंसान को पाक होना है। फिर हम आते हैं कुरान की हिदायत के लिए। सिस्टर हमारे पास कितना टाइम है तुम्हें बता दें? 15 मिनट है हमारे पास जी, बिल्कुल 15 मिनट्स हैं। आप अगर और सवाल का जवाब इसका देना चाहें या मैं अगला सवाल करूँ? मैं इसको थोड़ा सा कम्प्लीट कर देती हूँ कि कुरान ने कैसे तारीफ करवाना थी। तो कुरान ने, मैं जल्दी जल्दी से बता दूंगी कि कुछ नाम जैसे खुद खुद कुरान फरमाते हैं, सूरह बकर आयत नंबर 185 में अल्लाह के तहत शहर रमजान अल्लाह उनजिल फीहिल कुरान हुदन लिन्नास। अल्लाह ने इस माह रमजान में कुरान को नाजिल किया। सबसे पहले कहा हुदा, ये जो कुरान है ना वो नास के लिए हिदायत है। और मजे की यहाँ ये बात आती है, मैं अजब इस बात पे होती हूँ कि अल्लाह ने ये नहीं कहा हुदन लिन इंसान। मजे की यहाँ ये बात आती है, अल्लाह ने नहीं कहा हुदन लिन इंसान नहीं कहा, या अल्लाह ने नहीं कहा हुदन लिन मोमिनीन, हुदन लिन मुस्लिमीन, अल्लाह ने कहा हुदन लिन नास। नास और इंसान में फर्क होता है। इंसान जो होता है हमें पता है कि वो एहसास रखने वाला होता है, जज्बा, इंसान जो होता है वो मजबूत होता है, मोहब्बत इश्क करने वाला। नास जो होता है ना वो फौरन बदल जाते हैं, उसी वक्त मोहब्बत, उसी वक्त नफरत, उसी वक्त, यानी नास जो होते हैं ना वो टेम्परेचर के हिसाब से चलते, जिस टेम्परेचर में पानी को रखते हैं वो पानी टेम्परेचर पकड़ता है। नास जो होते हैं जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढह जाते हैं। खतरनाक मखलूक अगर जमीन पे है तो वो नास है। तो अल्लाह ने हिदायत देते ऐसे लोगों को जो खतरनाक है, ये एक नाम है, एक खुद अपना तारुफ करवाते वक्त वो बयीनात। और कुरान जो है एक वाज़ह क्लियर साफ शफाफ बातें करता है, इसके अंदर कुछ मुबहम नहीं है, इसने साफ शफाफ आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। वो छुपके बात नहीं करता, वाज़ह बात करता है। मिनल हुदा, हिदायत से, ये मौजज़ा भी। और फुरकान, कुरान जो है वो फुरकान है, हक और बातिल को साफ बताता है। जो कुरान पढ़ते हैं, जो समझते हैं उसको, जो उसकी गहराई में जाते हैं ना, वो कभी भी हक और बातिल में वो ऐसा नहीं होता कि खो जाते हैं, वो कभी नहीं खो सकते। इनको पता होता है कि हक क्या है, बातिल क्या है। कुरान जो है वो तिबियान है, बिल्कुल निश्चय। कुरान एक ऐसी किताब है जो ला यातीहुल बातिल मिन बैन यदैह वला खल्फिह। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई बातिल ना उसके आगे से ना पीछे से कहीं से बातिल दाखिल हो ही नहीं सकता। इतना प्यारा कुरान, जैसी प्यारी किताब है। और कुरान जो है खुद बताते हैं, मैं ये बात जो मैं बता रही हूँ ना सिस्टर, मुझे कुछ और बात है कि अल्लाह नज़ल अहसन हदीस, अल्लाह ने बेहतरीन अपनी बेहतरीन अल्फाज को, अपनी बेहतरीन बात को नाजिल किया इस कुरान की सूरत में। रसूल खुदा फरमाते हैं ये लोगों, जिस तरह से अल्लाह की अहमियत, अभी मुझे नहीं पता इस हदीस को मैं समझा पाऊंगी या नहीं, जिस तरह से अल्लाह की अहमियत है तमाम मखलूकात के ऊपर, जिस तरह से अल्लाह अलग है तमाम मखलूकात से, इस तरह से कुरान भी अलग है तमाम मखलूकात से, और कुरान की अहमियत है तमाम मखलूकात पे, क्योंकि अल्लाह खालिक है और ये जो कुरान है ये खालिक का कलाम है। तो कितना खूबसूरत है, वही कुरान नूर है, कुरान मोइजा है, और बहुत ज्यादा चीजें। जब इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम इसके तमाम नामों के ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह। अच्छा सिस्टर, ये बताइए कि कुरान जिन नामों से खुद का तारुफ करवाता है तो इनके मफाहिम और मायने क्या हैं, और इसकी जो हमारे पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? जी,
सिस्टर, जब हम कुरान की गहराई में आते हैं ना, कुरान के नामों की तरफ आते हैं, देखिए हम जब किसी चीज का नाम, अपने बच्चों का नाम रखते हैं या हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रखा है, तो उसमें और जो अहलबैत और कुरान के नाम होते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे माँ बाप को जो चीज अच्छी लगी उन्होंने रख दी, मैंने हमने अपने बच्चों के नाम रखी थी अहलबैत के नाम हमने रख दी, लेकिन अल्लाह जो है वो बहुत ही कहते हैं खुदा के जैसी लॉजिक तो किसी की हो ही नहीं सकती, वो भी अपनी मखलूकात के लिए। तो अल्लाह ने जो भी नाम चूज किए कुरान के, वो कुरान के ही जबान से खुद कुरान अपने नामों को बताया कि मैं ये भी हूँ। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम कुरान के किसी के नाम को पकड़ते हैं, जैसे मैं अभी एक नाम है जो एक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक एक नाम की तरफ आए, जैसे हमारे पास कुरान का एक नाम है फुरकान, कुरान का एक नाम है फुरकान, और फुरकान जो जैसे सूरह अनफाल में भी है, सूरह आल इमरान में भी, सूरह फुरकान में भी है, कुरान का एक दूसरा नाम है कुरान, कुरान जो है वो भी सूरह ताहा में आया है, सूरह निसा में आया है। तो फुरकान जब आता है तो अब इसको हम तीन पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये आता है कि ये जो कुरान का फुरकान नाम है, ये क्यों अल्लाह ने फुरकान इस नाम को रखा, इसकी वजह क्या है। नंबर दूसरा पार्ट आता है कि इससे हमें क्या इल्म मिलता है, हमें क्या समझ में आता है। तीसरा पार्ट क्या आता है कि इस नाम के साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने क्या करना है, क्यों हमसे बताया, क्यों हमसे छुपाया नहीं, और भी बहुत नाम होंगे जो अल्लाह ने हमसे छुपाए होंगे, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने क्या करना है। तो इन तीन चीजों को जब हम डिवाइड करते हैं और फिर उस नाम को ले लेते हैं तो यकीन माने वो हमारे लिए बाय से निजात बन जाता है। तो सबसे पहले फुरकान जब हम कहते हैं, फुरकान के रूप पर जाते हैं फरक, और फरक का मतलब होता है वही जुदा करने वाला, अलग करने वाला, हक और बातिल को जुदा करने वाला, सही और गलत को जुदा करने वाला, हलाल और हराम को जुदा करने वाला, तैयब और खबीस को जुदा करने वाला, यानी हर खराब चीजों को जुदा और सही चीजों को जुदा कर मुमय्यिज करने वाला, सेपरेट करने वाला, ये उसका नाम रखा है। उसकी हर आयतों में आएंगे, उसको ढूंढेंगे, फिर हमें पता चलेगा। अल्लाह कहता है ए लोगो, जब दज्जाली दौर होगा, ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारा मेहदी पर्दा गैब में होगा, तुम अपने इमाम तक नहीं पहुंच पाओगे, उस वक्त हक और बातिल की जंग खुलकर सामने आएगी और उस वक्त तुम खो जाओगे, लेकिन वो लोग कभी नहीं खोएंगे जो इस कुरान की गहराई में जाएंगे। अब कुरान की आयतें हमें ये बता दिया, अब तीसरा पार्ट आता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इस कुरान को ढूंढूं, कुरान को पढ़ूं, इसकी आयतों को देखूं और फिर अपनी जिंदगी में इस तरह से बन जाऊं कि मेरे लिए हक और बातिल वाज़े और क्लियर हो जाए। तो ये जो अल्लाह के नाम होते हैं उनकी ये बातें आती, और जिस तरह कुरान की जो असल मीनिंग होती है वो होती है कायनात की एक ऐसी किताब जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। तो हम देखते हैं कि हाँ पढ़ी जाती होगी, लेकिन अगर वो जमीन पर तमाम इंसानों को हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं। तो यहाँ अल्लाह ये बताता है कि नहीं, तुम इंसानों को कैलकुलेट ना करो, कुरान एक ऐसी किताब है जो आसमानों पर पढ़ी जाती है, जो कुरान एक ऐसी किताब है जो फरिश्ते पढ़ते हैं, और फरिश्तों की तिलावत हर वक्त, कुरान की तिलावत हर आसमान पे, हर प्लानेट पे, हर जगह पर इसकी तिलावत रहती है। अब मेरा फर्ज क्या है, अब मैं इसको अपने जिंदगी में कैसे लेकर आती हूँ। अल्लाह कहता है जब कायनात की तमाम मखलूकात इसके अंदर डूबी हुई है तो तुम क्यों इससे गाफिल हो, तुम भी अपने आप को डिबो दो, गर्क कर दो कुरान के अंदर, तो ये फिर मेरी जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा, एक हमारे पास 6-7 मिनट हैं, प्लीज हमें ये बताइएगा कि कुरान पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, कि कोई खास औकात है कि जिनमें पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है, या हम किसी भी टाइम इसको पढ़ सकते हैं। जी सिस्टर साहब, जब रिवायात में आते हैं ना, जब अहादीस में आते हैं, तो हमें हर जो सूरह है ना उसके बारे में बताया गया है कि किस सूरह को पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो हम कुरान को हर वक्त पढ़ सकते हैं, कुरान की तो कोई टाइमिंग नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ सूरह ऐसी होती है जिनके लिए बताया गया है तो उनका असर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं समझती हूँ जो कुरान के बेहतरीन टाइमिंग्स हैं कुरान की तिलावत की, वो जो 5 नमाजों की टाइम है वो है, और जो सुबह और मगरिब के वक्त जो टाइम होता है ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है कुरान की तिलावत के लिए, क्योंकि
ये एक ऐसा वक्त होता है जो जहाँ पर पूरे सातों आसमानों के जितने भी फरिश्ते होते हैं वो भी तिलावत कर रहे होते हैं। बाकी काफी ऐसी सूरह है जिनके बारे में बताया गया है, अपने पढ़ा भी होगा। और मैं मुझे मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं सूरह रहमान की बात करूँ कि सूरह रहमान की क्या टाइमिंग्स है। बहुत ही खूबसूरत सूरह, अक्सर मैंने उलमा की बुक्स में पढ़ा है। सूरह रहमान की जो टाइमिंग है ना, मैं अजब हो जाती हूँ रहमान के लिए जो उलमा है उन्होंने क्यों सूरह रहमान के लिए ये टाइमिंग चूज की है। सूरह रहमान का टाइम होता है जब सूरज की पहली किरण जमीन पे आती है, उस वक्त सूरह रहमान की तिलावत की जाए। इससे रिस्क बढ़ता है और इससे जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे रिस्क में बरकत हो, मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरे बिजनेस में बरकत हो, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आए, जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा करेंसी आ जाए हर तरह की, तो फिर सूरह रहमान को इस वक्त उस वो जो एक किरण पहले आती है उसको शुरू किया जाए, सूरह रहमान को पढ़ा जाए। क्योंकि सूरह रहमान में हम देखें अल्लाह ने सूरज का जिक्र किया, पूरे पूरे प्रॉफिट्स के अल्लाह ने जिक्र किया उसके अंदर, तो उसके लिए ये टाइम फिक्स किया गया। बाकी जितनी भी सूरह हम पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाह के साथ, उसकी कोई खास टाइमिंग नहीं, बस सुबह की नमाज के बाद वो बहुत पावरफुल हो जाती है और मगरिब की टाइम मगरिब और इशा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर आपने, और बहुत ही इल्मी गुफ्तगु माशाल्लाह से हमारे सुनने वालों और देखने वालों को इनायत फरमाई, और खुदा वंदे आलम आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। रमज़ान मुबारक का जो खूबसूरत महीना है, परवरदिगार आलम आपकी तमाम तर इबादतों को रियाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस दुआ के साथ आपसे रुख्सत चाहेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको जो है आपका हमारा साथ रहेगा रमज़ान भर इंशाल्लाह गाये बगाए, और इंशाल्लाह आपके इल्म से हम फैज़याब होंगे। सलामत रहिए सिस्टर आप, खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन मुहतरम आप देख रहे थे हमारे साथ बड़ी ही खूबसूरत अंदाज़े बयान वाली आलिमा मौजूद थी, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जो बयानात उन्होंने इतनी तफसील से कुरान के बारे में समझाया और जो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें इनायत फरमाई, अल्लाह हमें तौफीक दे कि इन तमाम तर बातों पर हम अमल पहरा हों, और ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है इसको अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में रहकर हम गुजारें। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक कॉल है जिससे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे कि मौला इरशाद फरमाते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत में अल्लाह ताला के लिए रोज़े रखे और इसे सख्त प्यास भी लगे तो अल्लाह ताला 1000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो उस रोज़ेदार के मुंह का मसा करते हैं और उसे बशारत देते हैं कि जब वो इफ्तार करता है, जब उसको इफ्तार कर रहा होता तो फरिश्ते उसको बशारत देते हैं। और फिर खुदावंदे आलम इरशाद फरमाता है कि कितनी पाक खुशबूदार है ये रूह इस रोज़ेदार की, ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना मैंने इस रोज़ेदार को माफ़ फरमा दिया है। तो शुक्र है खुदा का कि अल्लाह इतना रहमान है रहीम है जिनके हम मानने वाले हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम, और उस कौम से हमारा ताल्लुक़ जो हमारे हिदायत के लिए हर वक्त हमारे ऊपर साया फिगन है और उनकी हिदायत के साए तले ही उनके चाहने वाले मुसलमान मोमिन और मोमिनात ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदावंद आलम हम तमाम लोगों को तौफीकात इनायत फरमाए कि अल्लाह की खुदावंद आलम की इस तरह से इबादत गुजार बंदों में हमारा शुमार हो कि जिस तरह से खुदावंद आलम चाहता है। तो नाज़रीन मोहतरम प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ, अपनी दुआ में हमारी तमाम हिदायत टीम को याद रखिएगा। कल तक के लिए मुझको और सहर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।